Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, today I am going to teach you about the to be. What is to be? And where to use to be? Okay friends, let's start the class of the day. To be kya hai? इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? टू बी का इस्तेमाल हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं जहाँ पर भविष्य में कोई कार्य किसी योजनाबद्ध या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है या किया जाने वाला है, उसके लिए हम टू बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह पढ़ाए जाने को है, तो वह पढ़ाए जाने को है मतलब उसको पढ़ाया जाने वाला है, मतलब उसको पढ़ाना बाकी है अभी, मतलब इससे पता चलता है कि काम अभी बाकी है, होने वाला है, हुआ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, जैसे वह गाय बेची जाने को है, वह गाय बेची जाने को है, तो मतलब उस गाय को बेचा जाना है, वो अभी बिकी नहीं है, बेचना भी बाकी है, लेकिन बेची जाने को है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं अच्छी तरह से। आइए देखिए, टू बी इस भविष्य में कोई काम किसी आज्ञा या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है, उसके लिए हम टू बी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मेकिंग फॉर्मूला क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन? जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट जो भी होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट होगा तो इज़ एंड पास्ट होगा तो वाज वर्ब, फिर उसके बाद वी प्लस वी थ्री यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें लगेगा। जैसे गाय बेची जाने को है, गाय बेची जाने को है, तो द काउ इज टू बी सोल्ड। ठीक है फ्रेंड, अभी यहां पर द काउ इज टू बी सोल्ड, गाय बेची जाने को है, मीन्स बेचना उसको अभी बाकी है, बिकी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, पानी लाए जाने को है, मीन्स कोई पूछ रहा है कि पानी आ गया क्या, तो नहीं लाया जाना है अभी, मतलब बाकी है लाना। तो वाटर इज टू बी ब्राउट, वाटर इज टू बी ब्राउट मीन्स पानी लाया जाना बाकी है, अभी लाया नहीं गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम पास्ट में देखेंगे, पास्ट में इसको हम कैसे बनाते हैं। पास्ट में मेकिंग फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पास्ट का जो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब हो जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा प्लस वी थ्री। जैसे लड़के पढ़ाए जाने को थे, मीन्स लड़कों को पढ़ाया जाना था, वो अभी पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाना बाकी है, तो उसको पढ़ाए जाने को थे, तो बॉयज वर टू बी टाउट। ठीक है, वह पेड़ काटे जाने को था, मीन्स हम हिंदी में अक्सर ऐसा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, बट जैसे भी बोलते हैं उसका इंग्लिश हम इस तरह से बनाते हैं, मतलब उस पेड़ को काटा जाना था, अभी बाकी है, काटा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में उसको काटा जाएगा, तो दैट ट्री वॉज टू बी कट। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट कट कट। ठीक है फ्रेंड, तो ये प्रेजेंट और पास्ट, हमने पास्ट का भी लिखकर बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड, तो ये था यूज ऑफ टू बी। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम एक एक करके कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि टू बी का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, चलिए
एक मीटिंग बुलाए जाने को है या एक मीटिंग की जाने को है? अ मीटिंग इज टू बी हेल्ड। कार खरीदी जाने को है, कार इज टू बी बाउट। यह लेसन पढ़ाए जाने को है, दिस लेसन इज टू बी टाउट। एक कहानी लिखी जाने को है, अ स्टोरी इज टू बी रिटन। एग्जाम पेपर चेक किए जाने को है, एग्जाम पेपर इज टू बी चेक्ड। तो चलिए हम पास्ट की कुछ सेंटेंसेस पर नज़र डालते हैं। आइए हम कुछ पास्ट के सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। बच्चे पढ़ाए जाने को थे, चिल्ड्रन वर टू बी टाउट। यह कार खरीदी जाने को थी, दिस कार वॉज टू बी बाउट। खाना बनाए जाने को था, फूड वॉज टू बी प्रिपेयर्ड। लड़की ब्याहे जाने को थी, गर्ल वॉज टू बी मैरिड। उसकी पिटाई की जाने को थी, ही वॉज टू बी बीटन। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टू बी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।